नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। दरअसल बारात की कारें आमने सामने से टकराई हैं। दर्दनाक हादसे में 3 की मौत हुई, 12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये हादसा विदिशा में हुआ है, लेकिन सागर से बारात की कार लौट रही थी और 2 बारात की कारों में भीषण टक्कर हुई है। विदिशा में ये दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें 2 बारात की कारें आमने सामने भिड़ गई। हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती किया गया। विदिशा जिले की ग्यारसपुर थाना अंतर्गत पीपल खेड़ी गाँव के पास नेशनल हाईवे 146 पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। विदिशा से सागर की ओर जा रही टवेरा कार, जिसमें 12 की सवार थे, वहीं दूसरी ओर सागर से इंदौर की तरफ जा रही दूसरी बारात की कार में भी लोग सवार थे। पीपल खेड़ी गांव के पास दोनों में आपस में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें पति पत्नी सहित ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई है। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची। प्रधान आरक्षक धर्मजीत सिंह गौतम ने बताया कि मृतक मनोहर लाल वर्मा महू के रहने वाले हैं और उनकी पत्नी चंदाबाई वर्मा सहित ड्राइवर रिंकू भी महू का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि मृतक बारात वापस लेकर इंदौर जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर विदिशा से सागर बारात वापस जा रही थी, इसी बीच यह हादसा हो गया। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर 108 एम्बुलेंस पहुंची और घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ग्यारसपुर ले जाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय में रेफर कर दिया गया, जहाँ उनका उपचार चल रहा है। लेकिन दर्दनाक हादसा, 3 लोगों की जान चली गई। लगभग 7:30 बजे पीपल खेड़ी के पास हाईवे 146 में एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक इनोवा और एक 407 गाड़ी के बीच में दुर्घटना हुई। इसमें दोनों ही गाड़ियों में बाराती थे, एक इंदौर से थे और एक सागर से थे। इसमें दुर्भाग्यजनक रूप से 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और करीब 12 अन्य लोग घायल हैं। इन सभी को उपचार के लिए नज़दीकी हॉस्पिटल में, जिला चिकित्सालय में और सागर कुछ लोग रेफर किए गए हैं। यहाँ पर इनका इलाज किया जा रहा है और अगर ज़रूरत हुई तो इन्हें और भी बेहतर हॉस्पिटल में उपचार के लिए भेजा जाएगा।